Find the equation of plane 2, 0, 4, minus 3, 6, minus 4, 3. Other than the plane through the origin, origin se pass holne wala nahi accept karna hai, which cuts off from the x axis intercept of some 0. तो देखिए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, दो पॉइंट दिए हैं, तीन पॉइंट दिए होते तुरंत निकाल लेते, लेकिन इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो है उनका सम जीरो दिया है, तो बेस्ट ये रहेगा कि मैं प्लेन की इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू वन। इस फॉर्म में अज्यूम करने से फायदा क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वो मुझे दे रखा है, उनका सम जीरो दे रखा है, तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, मुझे एक इंफॉर्मेशन है ए प्लस बी प्लस सी कितना है जीरो। दो इंफॉर्मेशन मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये जीरो फोर माइनस थ्री से पास होगा, तो जीरो मतलब माइनस फोर अपॉन बी, माइनस फोर अपॉन बी, और नहीं ये फोर माइनस थ्री से फोर अपॉन बी माइनस थ्री अपॉन सी इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी, सिक्स बाई ए प्लस, अब इसके बाद तो मैं करना है भाई, सॉरी मैं आंसर तो बताऊंगा लेकिन ये इक्वेशन तो सॉल्व करना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे होनी चाहिए। नाउ तीन वेरिएबल है मेरे पास और तीन इक्वेशन है, तो इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आसानी से ये ए बी सी आ जाएंगे, और क्या है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ ए आ जाएगा, ए मेरे पास कितना आएगा, ए तुरंत ही आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सेकंड फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है, इन सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए मेरे पास आ जाएगा थ्री, ए मेरे पास थ्री आ जाएगा, ध्यान से समझिए। और ए अगर थ्री आ गया तो बी और सी की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, वो आप क्या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बी की वैल्यू माइनस टू होगी और माइनस सी की वैल्यू माइनस वन होगी, एक ट्रिपलेट ये पॉसिबल होगा और एक पॉसिबल होगा बी की वैल्यू सिक्स होगी और सी की वैल्यू माइनस वन होगी, इसे अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दो ट्रिपलेट आ गए ए ए थ्री, तो एक प्लेन मेरे पास आया एक्स बाई थ्री माइनस वाई बाई टू माइनस जेड वाई वन इक्वल्स टू वन, और दूसरा प्लेन आया मेरे पास एक्स वाई थ्री प्लस वाई वाई सिक्स माइनस जेड वाई वन इक्वल्स टू वन। तो ये दो प्लेन मेरे पास आ चुके हैं, दो प्लेन की पॉसिबल इक्वेशंस होंगी और इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत, जेड की ट्रिपलेट की सी माइनस नाइन आएगा यहाँ, एक ट्रिपलेट आया थ्री माइनस टू माइनस वन और दूसरा ट्रिपलेट आया थ्री सिक्स माइनस नाइन, तो ये दो प्लेन की इक्वेशन पॉसिबल होंगी और इसमें मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, इसे आप कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करूं तो काम की बात ये है कि क्योंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इंटरसेप्ट हूज सम इज जीरो, तो प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में मानना फायदेमंद है, और वैसे तो और भी हम कर सकते हैं, इससे एक इंफॉर्मेशन ये डायरेक्ट आ गई और दूसरी क्या है कि दो पॉइंट से पास हो रही है और तो उनसे दो उनको लिखा और तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ओके, तो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई, इनफैक्ट दो जो दो प्लेन आए उनमें से कोई भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जो मुझे जिस बाई चांस अगर ओरिजिन से पास होने वाला प्लेन होता कोई, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ओके,